जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जॉब से दे रही हूँ रिजाइन, और क्यों दे रही हूँ ये सब आपको आगे आगे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो काफी दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। ये हमारे पड़ोसियों ने जो है ना हमारे को जलेबी भेजी थी, लेकिन गलती से हमारे अब्बू को अब्बू के हाथ लग गई, और मैंने मैंने अब्बू से लिया, अब्बू गुस्सा कर गया। खैर कोई बात नहीं, नहीं कुछ नहीं होता, मैं फिर भी ले आई हूँ। हाँ तो बाकी हमारे साथ साथ ही रहेगा। आज का व्लॉग बड़ा जबरदस्त होने वाला है, देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। देखिए मैंने इसमें चिकन बिरयानी हम लोग बना रहे हैं, और शहजाद ने सारा सामान ला के रखा हुआ था, तो कह रहा था बाजी आप आके बिरयानी बनाना। तो अभी बाकी जो है ना इसका फुल जो मटेरियल है वो आपको मिलेगा इन लोगों के चैनल पे। और सुमैरा यहाँ पे चावल साफ़ कर रही है। तो आज रात को यहाँ जो होने वाला ना, जो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं, वो आपको अभी आगे आगे दिखाएंगे, तो साथ साथ ही रहिएगा। लोग हैं हमारे, ये देख सकते हैं आप लोग तैयार, यहाँ भाप आ रही है ना इसकी वजह से सही नहीं आ रहा, चावल हो गए तैयार, और साथ में हम बनाने लगे हैं थोड़ा कुछ सालन, मतलब चिकन का ही बनाएंगे लेकिन सालन बनाएंगे। यहाँ पर बिरयानी बन गई है, और यहाँ पर साथ में हम बना रहे हैं इसके सालन भी थोड़ा सा ना, मतलब नहीं अभी भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी तो सारे बिरयानी खाएंगे, पेट भर जाएगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पर हो तो खाना तैयार हो गया सुमैरा और जैस्मिन भी आई है। आज मेरे सारे बच्चे आए हैं, मतलब चार ही हैं। अपने मामू से मिलने जाए और मामी से, दिल उदास हुआ था इन लोगों, इन लोगों का दिल उदास हुआ हुआ था, इसलिए ये लोग आए हैं आज मिलने के लिए। तो हमारा दिल बहुत खुश हुआ कि ये सब आया, क्योंकि आपको पता है जब से भाई गोपाल लोग चले गए घर में हमोशी हमोशी होती है, और अम्मी आती है तो तब थोड़ी सी रौनक आती है। हाँ वो अम्मी जरा थोड़ा वो कुछ शोर करती है ना, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा लेट सोए थे, तो जैसे अम्मी नहीं होती शहजाद अपने काम में लगे रहते हैं पबजी के, और मैं जो है खाना बना के फिर सो जाती हूँ। सही, तो आज हम आए आए हुए तो मतलब थोड़ा शोर शोर लग रहा होगा घर में, लेट सोएंगे। सही है, तो यहाँ पर ये सालन भी तैयार होने वाला है, बिरयानी भी तैयार हो गई है, सैलेड वगैरह भी तैयार हो गई, तो अभी चलते हैं खाना लगाने के लिए ना। जी खाना लगाए जी, तो चलो फिर जैस्मिन मामी की बेटा हेल्प करो, ठीक है जी। यहाँ पर हमने लगा लिया खाना, वो भी आधा, अभी पूरा खाना नहीं लगाया, रायता वगैरह रखा है, सैलेड रखा है, और एशले कर रही है वेट। जी एशले, तो जी ऐशे क्या बात है, कैसा लग रहा है मामू के घर आके? काले की टोपी। ऐशु क्यों हंस रहे हो बेटा, क्या बात है? बोला शकील काले की टोपी। इसको देखो कितनी हंसी आ रही है, बुरी बात है जी, आप क्या कह रहे हैं? बोल रही हूं शकील काले की टोपी। नहीं भाई हमने ऐसा नहीं बोला। फिर क्या तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं कि सब मिलकर खाना खाएंगे शहजाद का। भाई शकील भाई को लेने के, हाँ उनकी गाड़ी खराब हो गई है, इस्लामाबाद पे रुके हुए, उनको जी लेकर आना है, और फिर एक साथ मिलके खाना, मिलके खाना खाएंगे, इसलिए हमने अभी आधा खाना रखा है। ये चीजें वो हैं जो मतलब ठंडी की ठंडी रहेंगी, गर्म नहीं, गर्म से ठंडी नहीं होंगी, इसलिए हमने जो है ना खाना नहीं अभी निकाला। तो बाकी सब इकट्ठे होते हैं तो फिर निकालते हैं खाना और खाते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या हमने खाने में बनाया है। यहाँ खाना लग ही गया है, ये देखें यहाँ पर देखें, और यहाँ सुमैरा डाल रही है चिकन बिरयानी है ना जी, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है ना, बहुत स्पाइसी नहीं मैंने बनाई है, कैसी बनाई है शजा? खा के पता चले, खा के देखो मजा ना है, पैसे वापस। हाँ ठीक है जी। सनिया भाभी हाँ जी, कैसे हो? ठीक। सर्दी लग रही है आपको? सर्दी लग रही थी, मैं कंबल में थी, शहजाद लेके आया, कह रहा तो हमारे हाँ तो खाना खा रहे थे ना, और इस बंदे की वजह से देर हो गई, ये देखो इस बंदे को अब जो है ना खीरे खीरे खाई जा रही है। वीडियो में नहीं, वीडियो में नहीं, वीडियो में नहीं। अच्छा हम सब हुए हुए इकट्ठे और बहुत अच्छा लग रहा है, और कामरान भी आ गया। अरे भाई तुम खाओगे क्या? कितना खाओगे? कितना खा रहे हो? खा रहे हो? अच्छा चिकन बिरयानी खा रहे हो, खाओ इतना सा तो खाना है उसके पास, कितना है ऐसी के जा। अच्छा मजाक कर रहे हो, और यहाँ देखो भाभी को हंसी आई जा रही है, भाभी क्या हो गया? सनिया भाभी क्या हो गया? सांस नहीं आ रही। एक बार अलमारी की तरह देखो। एक मिनट क्यों हो गया? एक मिनट सबर कर। आपने खाना खाया? खाया। क्या खाया? देखा है। बिरयानी खाई है, कैसी बनी थी? अच्छी बनी।
थैंक यू मैंने बनाई थी। कमेंट कर देना कि मारिया खाती रहती है। क्या आप क्या कह रहे हो? कमेंट पड़ता है ना कामरन। आप क्या कह रहे हो कामरन? मैं ये बोल रहा हूँ ये नहीं कमेंट करना कि मारिया जिधर देखो खाना खाने खाना खाने पहुँच जाती है, ये बात नहीं होती सही है ना। हाँ सच बात है। वो मेरी बेगम घर से आलू चिकन के साथ रोटी खा कर आई थी और यहाँ पे जबरदस्ती उसको खाना बोल रहे थे लेकिन उसने नहीं खाया। तो वो तो कह रही है मैंने खाया नहीं खाया। मेरी ये किसका चश्मा लगा रहे हो? खास अच्छे लग रहे हो। नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ, सही लग रहे हो। सनी भाभी कैसा लग रहा था बताओ? डॉक्टर सरगम। ये डॉक्टर सरगम कौन है? इधर दिखाओ। वो अंकल सरगम वाला ड्रामा आता है। दिखाओ। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था और आप लोग तो मैं अपने भाभी और भाइयों से मिलने के लिए आई थी क्योंकि मैं अपनी जॉब से दे रही हूँ रिजाइन, है ना? रिजाइन दे रही हूँ और क्यों रिजाइन दे रही हूँ ये भी आपको हम लोग जो है ना बताएंगे अगले व्लॉग में। जल्दी पता चल जाएगा आपको कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन क्यों दे रही हूँ और क्यों मतलब इतनी मुश्किल से या क्या कहें, क्या कहना चाहिए सनिया भाभी? आपको भी नहीं पता। हाँ तो यही मैं कहना चाह रही थी, रिजाइन देने की वजह क्या है ये हम आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर पता चल जाएगा कि मैंने रिजाइन क्यों किया। ठीक है तो मिलते हैं हम आपको अच्छे व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।